चलिए ले चलते हैं सीधा सीधे सीएम योगी की तरफ, लखनऊ में जहां पर सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का संयोजन चल रहा है। देखिए, नंदलाल गुप्ता जी और इस समाज के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज सेवी, पूर्व सांसद श्री नारायण साहू जी का मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होने वाला है। यह समाज जन्म से इसके रग रग में राष्ट्रवाद भाव है। सबके प्रति अटूट श्रद्धा रास्ता का विश्वास लेकर के समाज संपन्न स्थिति में भी और विपन्न स्थिति दोनों स्थितियों में कार्य करने की क्षमता रखता है और इसलिए मैं आप सब कहते से निरंतर करता हूं। फर्क बहुत स्पष्ट है। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहां है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था, आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद इस देश ने यशस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ, अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा है। भारत के गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। हम सबको अपने नेतृत्व के प्रति अगाध निष्ठा और श्रद्धा का भाव होना चाहिए, क्योंकि ये अगाध श्रद्धा और निष्ठा का भाव एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। भाइयों बहनों, हमें नहीं बोलना चाहिए 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 से लेकर के 2014 तक लगभग 66-67 वर्षों तक अटल जी के कार्यकाल को छोड़ दें तो भारत और भारतीयता के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं था। गांव के बारे में, गरीब के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, व्यापारियों के बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं था। मैं और मेरा परिवार ये पिछली सरकारों का, चाहे वह जिन्होंने देश के अंदर और चाहे प्रदेश के अंदर जिस भी शासन किया, सब यही करते थे। अलग अलग खानदान भर गए और खानदान तक ही पूरी देश की राजनीति सीमित हो गई थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपको फर्क महसूस पड़ रहा होगा। पहले तो लोग अपने बदलाव लाते थे, स्वयं का बदलाव लाते थे। अब चले गए ना 1947 के बाद, अलग अलग खानदान देश के अंदर शासन किया, इन सब के किसी का अलग अलग जगहों पर, हिल स्टेशन पर, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में उनकी अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। लेकिन गरीब का मकान नहीं, इसके बारे में कभी चिंता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दे दिया है। 3 करोड़ कांग्रेस के नेता उसको ब्लैक करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में रसोई गैस उपलब्ध करवा दी।
गांव में जाते थे, गांव की सड़क गंदी होती थी, पैदल नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक परिवार को शौचालय देकर के गांव की सड़कों को भी साफ किया, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने का मंत्र भी दिया और नारी गरिमा की व्यवस्था कर। पहले बिजली केवल 3-4 जनपदों तक आती थी, प्रतापगढ़ में बिजली नहीं जाती थी, और उसका परिणाम क्या था? संगमलाल जी मुंबई चले गए। आज भाइयों बहनों, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली है। 1,51,00,000 से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी दे दिए गए। पहले गरीब अगर बीमार पड़ता था तो मान लेता था कि अब तो मुझे मरना ही है, मौत को अपने लिए भी मान लेता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए वर्ष एक साल का, यानी 5 वर्ष एक प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए का हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। पहले बीमारी से लोग की मौतें होती रहती थी, कोई पूछता नहीं था। अनेक बीमारी आई, अनेक महामारी आई, न टेस्ट होता था, न उपचार होता था, न वैक्सीन आता था। पहली बार आपने देखा होगा फ्री में उपचार, इस स्थली की सबसे बड़ी महामारी में फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट और फ्री में वैक्सीन की घोषणा। भारत माता की। पहले महामारी आती थी और भाइयों बहनों, महामारी के साथ भूखमरी भी आती थी, लोग भूख से, जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई गुना लोग भूख से मरते थे। मोदी जी ने उपचार भी किया और सबको फ्री में वैक्सीन भी दे दिया, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, और सबको प्रधानमंत्री अन्न योजना में फ्री में राशन दे दिया। पहले लोग अपने लिए, अपने परिवार के बारे में सोचते थे, मोदी जी ने कहा नहीं, यह देश 130 करोड़ का भारतीय मेरा परिवार है, यह है फर्क, और उस फर्क के साथ आज हम सब आपके पास आए। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या में आकर भगवान राम के भव्य मंदिर का समापन। कश्मीर में धारा 370 जो आतंकवाद की प्रतीक थी, मोदी जी ने एक झटके में उसे समाप्त करके कश्मीर को भारत माता की जय। भाइयों बहनों, पहले किसान प्रताड़ित हुआ था, ना उसकी उपज खरीदी जाती थी और नहीं अगर उसको खेती बाड़ी करनी होती तो उसको कर्ज लेना पड़ता था। मोदी जी ने दोनों व्यवस्थाएं की, किसान की उपज को भी खरीदने की व्यवस्था की और साथ साथ ये भी व्यवस्था कर दी कि हर किसान को 6,000 रुपए सालाना हम देंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान। गलत साथ है और आज उत्तर प्रदेश में हम इन सभी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी दिल्ली में विराजमान। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए आज प्रदेश में कानून का राज, ये गुंडे, ये अपराधी, ये माफिया तो पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, सरकारी संपत्तियों पर बड़ी बड़ी हवेली बनाते थे, वहां बेटियों का जीना दूभर कर दिए थे, बहुत सारे सम्राट परिवार बेटियों को स्कूल भेजने से कतराते थे, डरते थे। आज उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का एक माहौल है। पहले परवर त्योहार आते थे और परवर त्योहार आने के पहले कर्फ्यू लग जाता था, कर्फ्यू लग जाएगा तो
संपन्न। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता, क्योंकि जो दंगा करेगा उसको मालूम है सात पीढ़ियां भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर अपहरण करेगा उसको मालूम है राज्य सरकार का बुलडोजर भी खड़ा है। ये सुरक्षा का वातावरण हम देने में इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसका एजेंडा मैं और मेरा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, जिसका एजेंडा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज जब दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं बोलते हैं और मोदी जी का सम्मान होता है तो भारत के 120 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। 130 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ दुनिया के अंदर देखा जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, जिन्होंने हमारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया था वे लोग विच्छन देश में आज आपके पास आएंगे। कोई कहेगा कि मैं भी राम का भक्त हूं, कोई कहेगा हम भी राम तो हमारे भी है। राम पर गुलाम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज छद्म देश में आपके बीच में आकर के तमाम प्रकार के झूठे नारे करेंगे, फरेब करेंगे, छद्म का सहारा लेंगे। आप सब अपने अपने समाज के प्रबुद्ध जन हैं, जागरूक नागरिक हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं। आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। अपने बात हम प्रार्थना हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और कार्य मोदी जी आकर के शिलान्यास करके जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और कश्मीर से धारा 370 को भी समाप्त कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, अंतोदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की बात, उस सपने को साकार कर दिया मोदी जी ने, जहां हर गरीब को राशन फ्री में राशन, सबको 80 करोड़ सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन, सबको राशन मुफ्त में राशन, पूरे देश के अंदर क्या पहले कभी हुआ? तो भाइयों बहनों, ये फर्क निकलता ये जो हरे वाले लोग आएंगे झूठ बोल करके गुमराह करके जाति के नाम पर विस्फोटन करने वाले लोग आएंगे, इनके बारे में इनके चेहरों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। ये लोग हमेशा इस षड्यंत्र में रहते हैं, मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे ये लोग बदनाम करने का कार्य करेंगे। मोदी जी तब भारत के बारे में किसी बड़ी योजना को लेकर के चलेंगे तब लोग खड़े होंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, और दीपावली आ गई है, आपके उत्साह के सामने कोरोना फेल हो गया। इंग्लैंड के अंदर, चीन के अंदर इस कोरोना का जो जनक है चीन, एकदम लॉकडाउन है, और यहां मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करवाई कि हम सब अपना पर्व त्योहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं आपके अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, इतनी जल्दी आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपको यहां पर मंच पर उपस्थित समाज से जुड़े हुए सभी वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री यहां पर हमारे बीच में, श्री रामेश्वर तेली जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, असम का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की संसद।
किस विषम परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में लड़ करके सांसद बन करके दिल्ली आते हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं, केंद्र सरकार में आपको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि जब कभी भी कोई बात होती है, लखनऊ से मेरे पास एक सज्जन जरूर आते हैं और वह नाम है आप ही के समाज के पूर्व सांसद से रामनारायण स्वामी जी। दीपावली के पहले, होली के पहले इनके पर
कस्बे जाके होते थे, कहते थे होली 12 बजे के बाद नहीं मनाएंगे। अरे सब अपना रूप और रंग बदले, कभी कभी तो इनकी कृत्यों को देख के गिरगिट भी समा जाए। लोग रंग बदलते हैं, पहले कहते थे राम और कृष्ण काल्पनिक है, अब तो कहते हैं राम तो हमारे लिए। इसलिए आप सब जागरूक हैं, प्रबुद्ध हैं, समाज से जुड़े हुए प्रबुद्ध जन, आपका नेतृत्व आपको मार्गदर्शन करे, उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार का सार मन हम सबके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और हमारे देश के राष्ट्रीय जीवन में आए, इस विश्वास के साथ आज के सम्मेलन के अवसर पर एक बार फिर से आप प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ।